आज हम आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं, इनसे मिलिए। ये हैं बच्चेलाल साहनी। वैसे तो बिहार के वैशाली के ये रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में देखिए फल बेचते हैं। अब ये सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि आरबीआई का जो इनिशिएटिव है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी का, उसके लिए इन्हें चुना गया है, पायलट प्रोजेक्ट के लिए इन्हें चुना गया है। सबसे पहले तो बच्चेलाल से ही जानना चाहते हैं कि आखिर ये तैयार कैसे हो गए। बच्चेलाल जी बताइए, सुर्खियों में हैं आप, सब लोग आपकी बात कर रहे हैं क्योंकि जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए आपको भी चयनित किया गया है। आप कन्विंस कैसे हो गए कि हाँ कि आप इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे? अभी देखिए, ये गूगल पे का जमाना तो वही है, प्लस में डिजिटल जमाने भी आने वाले हैं, तो ई रूपी हमको आरबीआई वाले साहब सब बोले कि ई रूपी से डिजिटल जमाने का है तो आप ले लो। मैं इसलिए तैयार हुआ कि चलिए हम भी ले लेते हैं, भविष्य में तो इसी से काम होने वाले हैं। अच्छा, तो इसलिए हम तैयार हो गए। तो उसके बाद आरबीआई के अफसरान ने आपकी किस तरीके से मदद करी, किस तरीके से आपका अकाउंट बना, ये हमें बताएं। हाँ, उन्होंने जैसे अपना जो हर बैंक में जैसा अकाउंट बनता है उस तरह से उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक वाले को बुलाए, साथ में उनका कंपेयर है और उन्होंने हमको बना के दिए RBI और IDFC फर्स्ट बैंक वाले और हम फिर चालू कर दिए। अच्छा, देखिए दर्शकों को जानकारी देते हैं, जो आरबीआई का जो इनिशिएटिव है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, ये क्लोज ग्रुप है फिलहाल तो प्रोजेक्ट का। करीब 15,000 इसमें लोग सम्मिलित हैं, जिसमें बच्चेलाल जैसे वेंडर्स भी हैं और आम लोग भी हैं। तो ट्रांजेक्शन अभी तक जो हुए हैं उसमें आपको क्या नजर आया है, क्या चीज बढ़िया लगी है, क्या उसमें खामियां नजर आई? ट्रांजेक्शन तो अभी गूगल पे ज्यादा हो रहा है, उसमें 4-5 ट्रांजेक्शन हुआ है। CBDC 4-5 हो गए? हाँ, ठीक है, हुआ है, लेकिन अभी खूब फास्ट नहीं चल रहा है CBDC। अच्छा, लेकिन भविष्य में फास्ट होने की संभावना है। अच्छा, ये खामी जो बच्चेलाल बता रहे हैं कि अभी स्पीड उतनी आपको नजर नहीं आ रही है, तो ये जो खामी है का रफ्तार पकड़े हुआ है ना, तो गूगल ज्यादा आगे चल रहा है। अच्छा, और CBDC का भी सब लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, तो धीरे धीरे मालूम हो जाएगा, इन लोगों को मिल जाएगा, तो उससे पेमेंट करेंगे लोग। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए, इस बात की जानकारी क्या अफसरान आपसे लेने आते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है? CBDC का बोर्ड देखते हैं, फिर बोलते हैं आप ई लेते हैं, हमको ई भी लेते हैं और गूगल पे भी लेते हैं। अच्छा, नहीं, ये तो लोगों की बात होगी, अफसरान जो आप बता रहे हैं कि खामी है, कितनी स्पीड नजर नहीं आ रही है, ये जानकारी आपने अफसरान को? स्पीड नजर नहीं आ रही है कि वो सभी लोगों के पास अभी CBDC नहीं है। और जब वो सभी लोगों के पास हो जाएंगे तो उनकी मर्जी है गूगल पे मारे या CBDC मारे। लोगों में कितनी जागरूकता नजर आ रही है, क्योंकि जिस इलाके में आप फ्रूट बेचते हैं यहाँ पर, ये तो बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है, अक्सर आपके पास लोग आते होंगे। देखिए, ये जीपे तो देखते होंगे, UPI तो देख रहे हैं, कैश भी आप करते ही रहेंगे, लेकिन जब ये नई चीज देखते हैं तो आपसे पूछते हैं आखिर बच्चेलाल जी क्या है? तो हम उनको बताता हूँ कि CBDC ई रूपीज है। अच्छा, आप उनको जानकारी देते हैं? हाँ, तो उनको ऐसे उनको जानकारी रहता है, फिर भी हमसे पूछते हैं। हाँ, तो मैं उनको बताता हूँ। अच्छा, तो बोला ठीक है, अब हम लोगों को भी मिलेगा CBDC तो हम इसी से पेमेंट करेंगे। हाँ, हाँ, तो बोला ठीक है। अच्छा, देखिए अभी तो जो ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर आदि इलाके हैं, साथ ही साथ इसमें लखनऊ आ जाएगा, कोची आ जाएगा, शिमला आ जाएगा, पटना आ जाएगा, मतलब जो एक जाल होता है उस जाल के अंदर ये तमाम बड़े शहर आ जाएंगे और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बच्चेलाल से मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप इस इनिशिएटिव से खुश हैं, क्योंकि कैश UPI के साथ साथ तो मानो आप आपको एक और मोड मिल रहा है ना पेमेंट का? हाँ, हाँ, खुश हूँ, खुश है, इससे खुश होना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब समय इसी का आ रहा है डिजिटल जमाने का। हाँ, तो खुश होना ही पड़ेगा, सब काम तो ये मोबाइल से डिजिटल से ही हो रहा है। हाँ, अभी गांव में जैसे कि हम समझ ले कि गांव से हमें कोई कागज पेपर मंगाना है। हाँ, तो डिजिटल जमाने नहीं होता तो अभी नहीं होता, हमको एक साइन करना होता तो हमको गांव जाना पड़ता था, बिहार हो या वैशाली हो, जहां भी हो, लेकिन आज हमको साइन करना है मोबाइल से, वहां से कागज मंगाते हैं, साइन करके भेज देते हैं, वहां काम हो जाता है। अच्छा, आप लोग ये जो नया डिजिटल इनिशिएटिव लेना, अच्छा है, ये जो नए नए डिजिटल इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसको लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, या कहीं ना कहीं डर लगता है कि बाबा ऑनलाइन सब जा रहा है, क्या मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा? ऑनलाइन से हुआ है क्या, मैं बताता हूँ आपको। ये छोटे छोटे बिजनेस वाले जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग का बिजनेस कम हो गया है, एक बात बता रहे हैं, लेकिन अब बिजनेस कम हो गया इसके लिए हम तो ये नहीं बोलेंगे कि ऑनलाइन बंद करो। ये जो जमाने हैं, चल रहा है, चलना है तो चलने दीजिए, इस तरह से हम लोग भी चलेंगे। बिजनेस हर किसी को कम हो गया, जिसे ऑनलाइन से कोई होटल वाले किसी का ऑर्डर देते हैं तो उनको ऑफिस में फ्रूट्स खाने का पहुंच जाता है, फ्रूट्स तो होटल वाले जो छोटे छोटे हैं वो सब मर गए, बड़े बड़े धंधे वाले को थोड़ा सा इससे ज्यादा फायदा हुआ है ऑनलाइन से, हम लोग जैसे कि नुकसान हुआ है। जैसे अभी जैसे RBI में और बहुत जैसे मैडम थी, ग्राहक थे जो यहाँ के पर्सनल लेते थे, उनके पास टाइम नहीं है तो ऑनलाइन फोन करते हैं, उनके ऑफिस में या घर पे फ्रूट्स पहुंच जाता है। तो डिजिटल में कहीं ना कहीं नुकसान भी है और फायदे भी है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव फिलहाल दिया जा रहा है इसको लेकर आप खुश नजर? हम खुश है। देखिए, भविष्य तो डिजिटल है और अच्छी बात तो यही है कि बच्चेलाल साहनी जैसे जो लोग हैं वो इस परिवर्तन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस परिवर्तन को अपनाने के लिए
तैयार हैं और उस परिवर्तन के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। कैमरा पर्सन राजू रेवड़कर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।